बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ इंडाइसिस के हवाले से। ठीक है जी, कौन सा टॉपिक है हमारा? लॉ ऑफ इंडाइसिस। ठीक है, जो पावर्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उनके हवाले से जो है पढ़ेंगे कि पावर्स के जो प्रॉब्लम्स आपके पास हों तो वो आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो कुछ ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स आपको दिए गए हों, जैसे कोई इंडिविजुअल है, फॉर सपोज 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2, और आपको लिखा गया हो कि इनको अब अगर सॉल्व करें तो आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इनको सॉल्व करने का बिल्कुल आसान सा तरीका ये है, एक लॉ ऑफ इंडाइसिस है, उसका जो पहला रूल आप याद कर लें कि ये जो बेस है, ये तो पावर हो गया। ठीक है, ये जो हमारा है बेस है, और इसके जो स्क्वायर जो है इसका पावर हो गया। ठीक है, तो बेस यहाँ पर नोट करें आप, यहाँ पर जो 2 2 2, ये बेस जो है वो सेम है। तो हम क्या करेंगे, जो इन मल्टीप्लाई, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, अगर हम आपको बीच में मल्टीप्लाई दिया गया है और बेस सेम है और पावर के प्रॉब्लम है, तो आप इसको क्या करेंगे, बेस अगर सेम है तो उसको एक करके लिखेंगे, और ये जो जितने भी पावर हैं उनको आपस में प्लस करेंगे। ये 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 है। यहाँ पर ये जो पावर है आपका वो चेंज हो सकता है, ज़रूरी नहीं है 2 हो, वो आपका दूसरा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 प्लस 2 प्लस 2 6 हो गया। तो ये आपका सॉल्व हो गया, ऑप्शंस में आपको ये दिए गए हो तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई नंबर जो है वो चेंज दिया गया हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया गया है 4 पावर 2 हो मल्टीप्लाई हो 4 पावर 3 हो मल्टीप्लाई हो 4 पावर 6 हो, तो इसको भी आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे कि बेस आप सेम रखेंगे 4, क्योंकि यहाँ पर जो बेस है वो सारे सेम हैं, और पावर्स को जो है आपस में प्लस कर देंगे। ठीक है जी, तो 4 और 11 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये लॉ ऑफ इंडाइसिस में क्या है, आपका रूल क्या याद रखना है आपको, जब बेस सेम हो, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के केस में अगर बेस सेम हो तो पावर हम क्या करेंगे, पावर सबको जो है हम ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे उनकी, तो वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ अगर आपको मल्टीप्लीकेशन नहीं दी गई हो और आपको जो है बीच में डिवाइड दिया गया हो 5 डिवाइड बाय 5, और पावर आपको दिए गए 4 2, तो डिवीजन अगर आपको बीच में दिया गया है तो डिवीजन के प्रॉब्लम आप सॉल्व कैसे करेंगे, बेस सेम है आपका वो बेस सेम रखेंगे। ठीक है, और डिवीजन के केस में आप क्या करेंगे, जो पावर्स हैं उनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको जवाब मिल जाएगा कितना आ जाएगा, 2। तो ये आपका सॉल्व हो गया। तो आपको याद क्या करना है कि व्हेन बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लीकेशन केस पावर विल बी एडेड, और इन डिवीजन केस व्हेन बेसिस आर सेम पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो वो क्या करेंगे आप, पावर उनको माइनस करेंगे। ठीक है जी, ये रूल अप्लाई होता है सेम बेसिस के लिए, अगर आपके बेसिस चेंज हो तो आप नहीं सॉल्व कर सकते। अच्छा, कुछ इसमें एग्जांपल्स दूसरे भी हैं जो आप देखें कैसे आप सॉल्व करेंगे। फॉर सपोज अगर आपको पावर किसी भी चीज़ का 0 दिया गया हो और बीच में मल्टीप्लाई हो और इधर पावर आपको 2 दिया गया है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो किसी भी नंबर पर अगर पावर आपका 0 है तो वो उसका मतलब होता है 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखेंगे बेस सेम है तो बेस को सेम रखेंगे, और ये 0 प्लस 2, ये आपका कितना आ जाएगा, सेम 2। ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी भी नंबर पे दिया गया है, फॉर सपोज आपको एग्जांपल ऐसा दिया गया है 3 पावर 0, और कहा गया है कि इसको सिंपलीफाई करें क्या होगा, तो इसको किसी भी नंबर के पावर अगर 0 है तो उसका मतलब होता है 1। ठीक है जी, वो आपका आंसर 1 होगा। अच्छा, डिवीजन के प्रॉब्लम्स अगर आपको फ्रैक्शन में दिए गए हों, इंडाइसिस के प्रॉब्लम, तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर सपोज ये 5 डिवाइड बाय 5 और 3 2, इसका मतलब भी सेम है, आप डिवीजन को ऐसे रखें या डिवीजन को आप ऐसे रखें, बिल्कुल सेम है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये होगा बेस अगर सेम है आपका तो पावर क्या करेंगे, डिवीजन के फॉर्म में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यही आपका आंसर बनेगा, पावर जो है 3 से हम 2 माइनस करेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको रूल बस ये याद रखना है कि मल्टीप्लीकेशन के केस में बेस अगर सेम है तो पावर ऐड करेंगे, और डिवीजन के केस में बेसिस अगर सेम है तो पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है जी, अच्छा इसमें जो है रूट के प्रॉब्लम इंडाइसिस में आप कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर सपोज आपको दिया गया हो कि 3 अंडर रूट 2, और लिखा गया हो कि इसको सिंपलीफाई करें, तो आप इसको सिंपलीफाई कैसे करेंगे। ठीक है जी, अब देखें ये जो अंडर रूट होता है ना, ये रूट ये बराबर होता है पावर 1/2 के, किसके, ये 1/2 के बराबर होता है लेकिन पावर फॉर्म में। ठीक है, और अगर 3 अंडर रूट लिखा होता है तो ये बराबर है पावर 1/3 के। ओके, 1/3